وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى व सफ़ीन तजात सरकारी ख़त मरतबा का ये फरमान कि हुसैन हिदायत का चराग है और निजात का सफ़ीना है और ये फरमान उस जबान से अदा हुआ है कि जो सादिग भी है सच्ची ज़बान भी है और अपनी मर्जी और अपनी चाहत पर कोई बात बयान नहीं करती जिसकी ज़बान पर वही के पहरे बैठे हुए हैं वो ज़बान अगर कह रही है कि हुसैन हिदायत का चराग है निजात का सफीना है तो यकीनन हुसैन हिदायत का चराग भी है निजात का सफीना भी है और ये ऐसा सफीना है निजात है कि जिसने तारीख़ में कितनों कितने अफराद को निजात दी कितने ही अफराद की हिदायत का सामान फम किया और फिर जब तस्करा किया जाता है हुसैन सरकारी सैदा की तारीख़ का और शहद करबला की तारीख़ का तो करबला में उन शहदा की तारीख़ का तस्करा किया जाता है कि जो हुसैन के साथ दो महरम से दस महरम तक करबला में हुसैन के साथ आए थे और सरकार ऐसा ये के हम रिकाब रह कर जंग लड़ते हुए जाम शहादत नौश करते रहे तारीख़ बताती है कि सुबह आशूर जब तुलू हुई है तो कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया लेकिन जान निसार करने वाले अफराद कई तरह के हैं क्योंकि जंग दो तरह से जंग हुई है करबला के मैदान में एक जंग कि जिसको उम्मी कहा जाता है उम्मी यानी कि जिसमें पिसर साद ने अपने पूरे लश्कर के साथ इमाम हुसैन के पूरे लश्कर पर हमला किया इसे उम्मी कहा जाता है या जंग उम्मी कहा जाता है यानी पूरा लश्कर मिलकर हमला कर रहा है पूरे लश्कर पर और इस जंगू के मुकाबले में एक जंग है वन बाय वन या तन बतन एक के मुकाबले में एक की जंग कि जो हमला है उम्मी के बाद है इस हमलामू में इमाम हुसैन के बहुत सारे अनसार बहुत सारे अब इमाम से पिछड़ गए और जाम शहादत नौश नौश करके इमाम की खिदमत से रुखसत होकर रसूल खुदा और ख़दत पर पहुँच गए और अपनी आर्ज़ू को पा लिया अगर तस्करा किया जाए तो तीन भाई कि जिनको शहादत का शौक़ था ये तीनों भाई शहादत का शौक़ लिए हुए इमाम की ख़िदमत पर पहुँचे थे कौन से तीन भाई कासिब बिन जहर तगलबी मुकसद बिन ज़हर तगलबी और करदूस बिन ज़हर तगलबी ये तीनों भाई तगलब कबीले से ताल्लुक रखते थे तगलब बिन वायल कबीले से ताल्लुक रखते थे कासिद की उम्र सिंध पचपन साल और मखसद का सि बावन साल और करदूस का सि पचास साल का था कि जब करबला में तीनों ने जाम शहादत को नौश किया ये तीनों कोफ़ा के रहने वाले थे और तीनों भाई आशीन खान वदा विलायत वफ़ादार खान वदा व तहारत और अहल बैत के दर से तमाम फजाइल को कस्ब करने की कोशिश करने वाले हर लम्हे अपने आप को इमाम की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करने वाले ये तीनों भाई ये तीनों भाई इस एतबार से और मुमताज़ हो जाते हैं कि तीनों भाइयों ने एक साथ जंग जमल में भी शिरकत की और जंग सिफीन में भी मौला के मौला कायनत अली जब ने अभी के हमरा जंग की जहाद किया और गाजी बनकर इन जंगों से वापस आए जंग सिफीन और जंग जमल के गाजी इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचे और तीनों की सिफात अखलाक़ी को इस एतबार से बयान किया जाए तो गलत ना होगा कि तीनों सखी थे बख्शने वाले थे कभी सायल को ख़ाली हाथ नहीं लौटाते थे न फ़कत बख्शते थे बल्कि एसार करने वाले थे जिस चीज़ को खुद ज़रूरत होती थी वो मांगने वाले को दे देते थे, थे और यकीन ये खानवादा इसमत तहारत का दर्ज था कि जो उन्होंने अपने चाहने वालों को दिया था और ये शरा हल अता की हल अता या सरा इंसान की तिलावत करके इस दर्स को हासिल कर चुके थे अगर ये ख़ुद को ज़रूरत है लेकिन साइल अगर मांग लेता था तो साइल को खाली हाथ रद्द नहीं करते थे तीनों के अंदर ये खसूसियत मौजूद तीनों के अंदर ये सिफत कि जो खान वादा इसमत तहारत की सिफत थी वो इन तीनों में मौजूद है कि जब कोई मांगने वाला मांगता है तो कभी उसको ख़ाली हाथ नहीं लौटाते ये तीनों इशार करने वाले और सबसे अहम सिफत के जिसका तारी तारीख में तस्करा मिलता है मौरखी ने जिनसे जिसका तस्करा किया कि जब इन पर आजमाइें पढ़ती थी तो ये साबिर बनकर कर सब्र करते थे और खुदा की बारगाह में सजद शुक्र बजा लाते थे और ऐसे शुजा के इनका नाम कोफा की गलियों में मशहूर के अगर शुजात का तस्करा हो और इन तीनों भाइयों का तस्कर होना हो तो शजात का मौजू मकम्मल नहीं होता होता था न नफ़त इन्होंने मौला कायनात की नुसरत की बल्कि इमाम हसन मुशतबा के भी नासिर रहे जब इमाम हसन मुशतबा अपने बाबा के बाद मस्ंद खिलाफत पर तशरीफ़ फरमा हुए तो ये तीनों अफराद इमाम हसन की नुसरत करने के इरादे से इमाम के नज़दीक हुए और इमाम की नुसरत की और हर हर मकाम पर इमाम की नुसरत की तिर अंदाजी के तीनों माहिर शमशी जनी के तीनों माहिर और एक सिफत की जो इन तीनों की थी वो ये कि खान वादा इसस्मत व तहारत व विलात के आशिक थे अपनी जान नछावर करने के लिए तैयार और जैसे ही इन तीनों को पता चला कि सरकार सैदुल मदीना तर्क करके मक्का और मक् तर्क करके अब करबला की जानेब इमाम तशरीफ ले जा रहे हैं तो इन तीनों के दिल में भी शौक़ शहादत कि जो जंग जमल और जंग सिफिन से, से परवान चढ़ा था एक बार फिर जाग उठा और तीनों ने एक बार मशवरा किया कि यही वो मौका है कि जब हमें शहादत नसीब हो सकती है हम सिफिन में गए लड़ने के लिए कि शायद हजरत खुदा पर अपनी जान नछावर कर दें हम जमल में गए शायद हजरत खुदा पर हम अपनी जान नछावर कर दें लेकिन मंजूर ख़ुदा न था कि हम अपनी जान नछावर करते और खुदा ने शायद इसी रोज़ के लिए इनको बाकी रखा था कि ये अपनी जान हुसैन पर कुर्बान करें तारीफ़ बताती है मौरखीन लिखते हैं कि चार या पाँच मुहरम थी कि कोफा से चले और चलने के बाद कोफा अगरचे दुश्मन की फ़ौजों में घिरा हुआ है लेकिन ये तीनों भाई कोफा से किसी न किसी तरह से निकले हर मुश्किल को टाला हर मुश्किल से गुज़र गए जज्बे शौक़ शहादत इनको लेकर चला और इमाम हुसैन की खिदमत में लेकर आ गया आशिकीन इमाम हुसैन है ना तीनों पहुंच गए इमाम की खिदमत में इमाम की दस्त बोसी की इमाम के कदमों पर अपने सर को रख दिया इमाम ने उठाकर अपने गले से लगाया अपने गले से नहीं लगाया बल्कि हबीब व बुरैर और दीगर अफराद को भी हुक्म दिया कि आओ हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करो और इन तीनों का इस्तकबाल किया गया तारीख बताती है कि ये तीनों करबला में चार या पांच मुहर्रम को पहुँचे और पहुँचने के बाद इमाम हुसैन के इस छोटे से कारवान के साथ मुलहक हो गए बाहर छोटा कारवान लेकिन निगाह परवरदिगार में बहुत बड़ा कारवान जो तारीख़ इंसानियत को मोड़ने वाला है और ये तीनों भी इमाम के हमरा रहे शब आशूर इबादत में गुजारी और जैसे ही सुबह आशूर ऊँ हुई है फिर साद ने तीर फेंका और हमलामूमी का ऐलान किया और हमलामूमी का होना था कि एक बार ये तीनों भी बड़े और बढ़ने के बाद इस जंग में शिरकत की और शरीक होकर तीनों भाई शहीद हो गए तीनों भाइयों ने जाम शहादत को नौश किया और तारीख बताती है कि वक्त के इमाम ने ज़्यारत नहिया में कासिद पर और करदस पर सलाम नाम लेकर किया और इस अंदाज से सलाम किया कि असलम अला कासतित इब्न ज़ुहैर असलम अला करदूस इब्न ज़ुहैर ए कासिद अय कासिदन ए अः कुर्दुसबिन जहर मेरा तुम पर सलाम हो अगरचे मकसद का तस्करा जियारत नामों में नहीं लगा ले, लेकिन मतबर मकातिल ने लिखा कि मकसिद भी अपने इन दोनों भाइयों के हमरा करबला में मौजूद थे और अपनी जान निछावर की है सरकार सैदुस्हदा पर ये वो शहदा थे कि जो इब्तई हमले में शहीद हुए जाम शहादत नौश किया और इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचने के बाद जज्ब शहादत लेकर आया और जाम शहादत नौश करके अपनी आर्जू तक पहुँच गए अगर तस्करा किया जाए शहदा की तारीख का तो एक नाम के जिसको जंगद का गाजी कहा जाता है गाजी जंगद वो गाजी मैदान अहद का जंगद का वो गाजी के जो जंगद से गाजी बनकर निकला था लेकिन करबला में शहीद हो गया अगरचे कल में जज्ब शहादत वहाँ पर भी था लेकिन गाजी बनकर वापस आया कौन कनाना बिन अती तगलबी कनाना बिन अतीक़ तगलबी तगलब बिन वायल के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और कोफ़ा के रहने वाले हैं इनके अगर फ़ज़ाइल को देखा जाए कि क्या वो वजह थी कि जिसकी वजह से ये वक्त के अपने वक्त के इमाम पर अपनी जान निशावर करने में कामयाब हुए किस तरह से इमाम के लश्कर के सिपाही बने अगर इनकी सिफ़ात का इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो मौरखे लिखते हैं कि कनाना कनाना बिन अतीक तवल्ला और तबर्रा दोनों अपने कल में रखते थे जहाँ मोहब्बत कबाल पर थी खान वादा इसमत तहारत की मोहब्बत इनके कलम में अपने कमाल पर थी अपने रूज पर थी वहीं इनके दुश्मनों से भी सख्त दुश्मनी रखते थे दुनिया की हर चीज़ अहल बैत की मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हती कि अपनी जान भी अहल बैत के घराने पर निछावर करने के लिए तैयार रहते थे वो हैं कि जो कारी क़ुरान भी हैं मुफसर क़ुरान भी हैं जंग अहद और खंदक में रसूल ख़ुदा के हमरा जंग की लेकिन शहादत नसीब नहीं हुई और यही शहादत का जज्बा लेकर मौलाए कायनात के साथ जंग सिफीन और जंग जमल में भी शरीक हुए मौलाए कायनात के भी नासिर बने और किस तरह से ना बनते कि जो रसूल के नासिर हैं हकीकी नासिर हैं जो मकाम अली अपने अभी तालिब पहचानते हैं वो को तनहा नहीं छोड़ सकते जहाँ ने लश्कर को जमा करना शुरू किया वहाँ कनाना बिन अतीक़ तगलबी ने भी इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए लब्बैग कहा जंग सिफीन में भी इमाम के साथ जिहाद किया और जंग जमल में भी इमाम के साथ जिहाद किया यही वो जज्ब शौक़ शहादत था जज्ब शहादत था कि जो कनाना के दिल में परवान चढ़ता रहा और तारीफ बताती है कि इश्क अहल बैत रोज़ बरोज़ बढ़ता रहा मौला कायन के बाद इमाम हसन मुशतबा के आशिक और उसके बाद फिर सैद शहदा सरकार सैद श इमाम के आशिक और ऐसा इश्क कि जब पता चला कि इमाम ने मक्का से करबला की राह को लिया है और करबला की जानब सफ़र शुरू किया है ये भी कोफा के रहने वाले एक बार कोफा पहरा लगा हुआ कोफा में हर तरफ इम्न ज़्यादात की फ़ौजें निकलने की कोशिश करते हैं नहीं निकल सकते बहुत कोशिश की कि किसी तरह से निकल जाएं लेकिन नहीं निकले नौ मुहर्रम के दिन रूब आफ्ताब के वक्त यानी इससे पहले कि सूरज गरूब होता नौ मुहर्रम के दिन कनाना बिन अतीक़ तगलबी इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँच गए इमाम के हाथों को बोसा दिया इमाम ने इसकबाल किया गले से लगाया और कहा मरहबा कनाना एहद के मुजाहिद ए खंदक के मुजाहिद ए जंगो जंगे जमल व सिफीन के मुजाहिद मरहबा कि तू हमारी नुसरत के लिए आ गया एक बार कनाना ने कहा का मौला आपका इश्क कोफा में रहने नहीं देता था दिल नहीं मानता था कि आपको करबला में तनह छोड़ दूँ तमाम मुश्किल को पार करके मैं आपकी खिदमत में पहुँच गया हूँ मौला वो जज्बा शहादत शायद कहा होगा कि मौला वो जज्बा शहादत के जो अहद में भी कल में था खंदक में भी कल में था सिफीन में भी कल में था और कल में ही रहा जमल में भी कल में था और कल में ही रहा मौला क्या करबला के मैदान में पूरा होगा लेकिन ज़बान हाज इमाम ने यही कहा होगा ये कनाना फ़िक्र न करो कि वो जज्बा के जो वहाँ से चला था यहाँ जवान हो चुका है और अब हुसैन पर तुम अपनी जान छावर करोगे क्योंकि हुसैन हिदायत का चराग है हुसैन सफीना निजात हैं और हुसैन तुम्हें बुला रहे हैं निजात की कश्ती की तरफ और इसीलिए जब तारीख बताती है कि जब हमला हुआ है अमूमी हमला हुआ इस सारे साथ के पूरे लश्कर हुसैन के लश्कर पर हमला किया तो कनाना ने बढ़कर हुसैन का दफा करना शुरू किया तलवार चलाते जाते थे और सरकार सैदुशा का दिफा करते चले जाते थे एक बार तीरों की बारिश हुई चंद तीर कनाना के सीने में लगे चंद तीर बाजू में लगे एक बार चंद कनाना गिर गए ज़मीन के ऊपर खाके करबला कनाना के खून से रंगीन होना शुरू हुई जांकनी का अलाम आया और एक बार कनाना वो शौक शहादत के जो जंगद से लेकर चले थे और जंग जमन और सिफीन में नहीं मिला था वो करबला के मैदान में कनाना का नसीब बन गया कनाना जाम शहादत नौश करने के बाद करबला के शहदा में दाखिल हो गए और क्या मकाम है कनाना का कि वक्त के इमाम जियारत रजबिया और ज़्यारत नाह दोनों में इमाम ने कनाना का नाम लेकर कनाना पर सलाम किया है असलम अला कनाना कनाना इमन अतीीक़ तगलबी ए कनाना हमारा तुम पर सलाम हो कना आप पर वक्त के इमाम ने भी सलाम किया हम भी आप पर सलाम करते हैं असलम वो अलैगा कना अतीक तगलबी हमारा आप पर सलाम हो और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने जाम शहादत नौश किया और न फ़क्त जाम शहादत नौश किया बल्कि अपनी जान हुसैन पर निछावर कर दी वो कश्ति निजात की जिसको रसूल ने कश्ती नजात करार दिया था उसमें सवार हो गए और बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुँच गए वल्हदू लिल्ला रब्बिलआलमी